हाय गाइस, तो आज थर्सडे है एंड अभी इट्स मॉर्निंग 4:30 एंड अभी मेरा वाटर ब्रेक हो गया एंड मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो हम लोग हॉस्पिटल तुरंत जा रहे हैं। लेट्स सी, चलिए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड घर में कोई भी नहीं है, रैक्स भी चला गया, राय को भी मेरे दोस्त आके वो लोग लेके चले गए आज शाम को ही। तो एवरीवन, आई कीप यू ऑल इन्फॉर्म। तो कार में सारा सामान हम लोगों ने रख दिया। तो फाइनली अभी हॉस्पिटल पहुंच गए एंड अभी लाइक आफ्टर एवरी 5 मिनट्स मुझे बहुत ऐसा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। ओ माय गॉड, जो भी हो, यू नो इट्स माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। मुझे बहुत शॉक था कि लेबर पेन कैसा होगा एंड एनी हाउ आज तो मेरा सी सेक्शन भी है, तो देखते हैं अभी क्या होगा। तो शाम में एक व्हील चेयर लाने गए हैं, बट इट्स फाइन, यू नो वो लोग ने बोला है डीप ब्रेथ करने को एंड जो मेरी डोला है वो भी अभी आ जाएगी। तो जाओगे सुनने में उससे ज्यादा तो शॉमी की नर्वस है। बताओ, इसे बोलते हैं ट्विस्ट। अभी ठीक मेरे सी सेक्शन के लगभग हाउ मेनी 7 आवर्स, तो मुझे जैसे कि अभी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, तो दे आर सेइंग कि यू नो फर्स्ट वो लोग ट्राई करेंगे नॉर्मल के लिए, सो लेट्स सी। तो अभी वो लोग ने मुझे एपिडुरियल तो बहुत पहले ही दे दिया था, फिर अभी बोलते हैं ना एवरीथिंग आई एम एक्सपीरियंस, वाटर ब्रेक हो गया, फिर लेबर पेन का भी एक्सपीरियंस हो गया। बट अगर वाटर ब्रेक होता है ना, लाइक लीक हुआ है, एक बार में ब्रेक नहीं होता है, लाइक रैप्चर हो जाता है, तो इट इज़ लाइक सेफ नहीं है ज़्यादा टाइम के लिए रहना। एंड ओवर द टॉप आई एम ओनली 1 सेंटीमीटर डाइल्यूटेड, जो बहुत कम है अभी तक। अभी फिर वो लोग 11 o'clock आके देखेंगे कि कितना मेरा डाइल्यूशन हुआ है। तो अगर ऐसा ही रहा, 1 सेंटीमीटर ही रहा, तो यू नो जैसा मेरा स्केड्यूल सी सेक्शन था वैसा ही करेंगे, बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द डे। मैं जैसे बोल रही हूँ ना, आप लोग भी सब लोग बोल रहे थे नर्स ऐसे गलती से घुस गई थी, सो जैसे बोला था यू नो इट्स बेबीज शुड बी सेफ, दैट इज़ ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अभी मेरा कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम आ रहा है, जब हम लोग आए थे इट वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, जैसे नंबर्स आते हैं ना 70, 80, अभी जैसा 8, 10 ऐसा चल रहा है। तो वो लोग ने बोला है कि अभी तो सब कुछ लाइक एपिडुरियल भी दिया हुआ है, तो अगर सी सेक्शन करना होगा तो उसमें ही वो लोग आई थिंक दे विल गिव वन मोर एपिडुरियल और व्हाट आई डोंट नो, जो भी हो। तो यही खबर है कि ऐसा वो लोग भी बोल रहे थे, लग रहा था नॉर्मल हो जाएगा, अभी देखते हैं। और ज़्यादा टाइम है ही नहीं, आई थिंक ओनली 1/2 आवर इज देयर, तब तक भी अगर 1 सेंटीमीटर रहा देन मोस्ट प्रोबेबली विल गो विद सी सेक्शन ओनली। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक चीज़ तो बहुत अच्छा हुआ था कि कल राय एंड रैक्स दोनों ही चले गए थे। तो आई गिव यू ऑल इन्फॉर्म्ड, बट हाँ मैं आप सबको बोल रही थी कि लेबर पेन, तो लेबर पेन का एक्सपीरियंस मुझे हो गया है। पर हाँ वो लोग अगर एपिडुरियल दे देते यू वॉन्ट फील एनीथिंग, देन मेनी ऑफ यू टोल्ड कि बाइल यू विल एन्जॉय, तो सेम यू नो अभी मैं सोई हुई हूँ, आई एम रियली टायर्ड। Spread your love. What if your sweetness could reach everyone? There'd be no war. तो आज नेक्स्ट डे हो गया है एंड कल
लास्ट जो मैंने बोला था आप सबको ना कि दे डिन कम एट 11 o'clock, दे वर लाइक नहीं हम लोग एक्चुअली उसने उन लोग ने मुझे दे गेव मी अ लॉट ऑफ टाइम, दे केम एट अराउंड 2 o'clock ना यस्टरडे शो में, या फिर वो लोग 2 बजे आए, तो हम लोग का था 1 बजे, तो हम लोग का स्केड्यूल है मिस हो गया क्या, मिस हो गया क्या, क्योंकि यू नो फ्रॉम नाइट 2 o'clock मेरा यू नो लाइक मुझे अनेजी टाइप लग रहा था, फिर 3 o'clock मेरा वाटर ब्रेक हो गया, लाइक लीकेज होता है ना वैसा हुआ, एक बार में ब्रेक नहीं हुआ था, जो भी हो एंड देन माई क्या बोलो मैं कॉन्स्ट्रक्शन स्टार्टेड एंड बहुत, जब मैं हॉस्पिटल आई ना दे थॉट कि अभी मेरा बच्चा हो जाएगा, बोला मैं सब कुछ रेडी कर लिया है, एंड जो मिडवाइफ थी लाइक शी केम एंड शी वाज लाइक सी तुमको नॉर्मल चाहिए था, मे बी तुमको नॉर्मली हो जाएगा, क्योंकि लाइक बहुत हाई आ रहा था, ऐसा नहीं था कि लाइक विद इन ऐसा 1 मिनट पे हो रहा था, वन ट्रैक्शन वॉज सो हाई, तो इतना हाई था, तो वो लोग ने मुझे तुरंत एपिडोरियल दे दिया तब, बट एपिडोरियल इज ए वंडरफुल थिंग, मेनी ऑफ यू टोल्ड मी कि देने के बाद यू नो पाइल यू विल एंजॉय, तब यू नो देने के बाद बिकॉज यू कैन फील द कॉन्ट्रैक्शन, सिर्फ मैंने जैसे दिखाया ना आप देख सकते हैं, तो जो भी हो फिर 2 o'clock 2:30 को डॉक्टर आए, एंड डॉक्टर वॉज लाइक चलो मैं देखता हूँ तुम कितने डायलेटेड ही बोलते हैं ना हो, दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज 1 centimeter, सो ही वॉज लाइक नहीं कोई और चांस नहीं ले सकते, एंड बेबी वहाँ पे सो रहा है, फिर कभी कभी ऐसा ही रो रहा है, कोई मीनिंग नहीं है, तो हाँ चलिए मैं क्या बोल रही थी, अब फिर वो लोग 3 बजे मुझे लेके गए, बिकॉज एवरीथिंग आई वॉज प्रिपेयर ऐसा, तो वो लोग ने मुझे एपिडोरल लगा भी दिया था, लाइक जो जो प्रिपरेशन था जो स्केड्यूल में करना था वो सब सुबह ही वो लोग ने कर लिया था, पर यू नो हम लोग को लग रहा था बहुत ईजी होगा, क्योंकि इससे पहले भी तो मेरा सी सेक्शन हुआ ही था राय के टाइम में, बट थैंक्स गॉड यू नो कि हम लोगों ने वेट नहीं किया, बहुत जन बोल रहे थे कि तुम लोग और लेबर लाइक ट्राई करोगे क्या, ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे 1 centimeter जस्ट तुम्हारा पानी ब्रेक हो गया है, या ना ही क्राई नहीं तो ही वॉज लाइक मैं तुमको घर भेज देते लाइक घर भेज देती, बट हाँ वाटर क्योंकि ब्रेक हो गया वी वॉन्ट टेक एनी, हम लोग कोई भी और रिस्क नहीं लेंगे, तो फिर दे टुक मी फॉर सी सेक्शन, बट मेरा लाइक बहुत फिर कॉम्प्लेक्स हो गया था, इसका क्या हुआ लाइक इसका जो हेड है ना वो ब्लडर के लाइक बहुत इंटीरियर था मेरा प्लेजेंटा, तो इसके लिए वो लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, एंड राइट के टाइम में मुझे याद है यू नो दे विल पुट दैट स्क्रीन एंड फिर और कितना विद इन 5-10 minutes हो जाता है यहाँ पे, एंड यू कैन हियर ऑल द साउंड ना, एंड पता नहीं मुझे बिल्कुल भी लाइक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, आई वॉज फीलिंग सो अनइजी, तो इतना कॉम्प्लेक्स था ना कि जब उसने बेबी को निकाला तब मेनी ऑफ यू वर टेलिंग मी कि शौमिक को बोलना कट करने के लिए, तो वो लोग जैसे कि मेनी ऑफ यू आर ऑल्सो टेलिंग मी, फिर वो लोग ने भी सुबह लिखा था कि डैडी तुम कॉट कट करोगे, बट एवरीथिंग वॉज सो टेंस ना कि डॉक्टर ने के कॉटा कट कर लो जाना ही या डॉक्टर ने कॉट कट कर लिया, डॉक्टर वॉज लाइक बेबी निकल गया तुरंत मैंने कॉट कट कर लिया, तो उसके बाद देन फिर यू नो मुझे जोड़ने का टाइम आया, उसमें भी वो लोग को बहुत सारा टाइम लगा, तो ओवरऑल इट वॉज रियली टायरिंग, क्योंकि रात के 2 बजे से फुल यू नो रात के 2 बजे से वी बोथ वेर अवेक, 4 बजे तो हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए, तो जो भी हो इट वॉज ए लॉन्ग जर्नी, एंड फिर ये हॉस्पिटल में एक ही प्रॉब्लम था जो हम लोग को पता नहीं था कि दे डोंट हैव नर्सरी, मेनी ऑफ यू गेव मी द आइडिया कि पायल जिस दिन बेबी होगा उस दिन तुम बच्चे को नर्सरी पे रखना सो दैट यू कैन टेक सम रेस्ट, एंड यहाँ पे क्योंकि मेरा सी सेक्शन फिर फुल प्रोसीडियर में ना बहुत टाइम लगा बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज, तो जो भी हो तो यहाँ पे ना नर्सरी नहीं था, एंड शौमिक वॉज ऑल्सो सो टायर्ड, लाइक शौमिक को तो टाइम ही नहीं मिला दैट वो कुछ खाएंगे भी यू नो फ्रॉम टू सेम ही जैसा मैं थी, एंड फिर तो मेरा यू नो वो लोग फिर मुझे लेके आए रूम में, आते आते हम लोगों का नाइट 9 o'clock हो गया, फिर यू नो वी थॉट कि बेबी को वो लोग नर्सरी में लेंगे, फिर वो लोग हम लोग के हॉस्पिटल में नर्सरी नहीं है तुम लोगों को ही केयर रखना पड़ेगा, फिर यू नो आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड 5 o'clock ना मैं रोने लगी, आई एम लाइक कि अभी मेरा यू नो सी सेक्शन हुआ है मुझे इतने सारे स्टिचेस है मुझे इतना दर्द हो रहा है हाउ इज इट पॉसिबल, फिर शौमिक को भी गुस्सा आ गया, फिर शौमिक ने वो लोग को बोला कि प्लीज कुछ तो हम लोग को हेल्प करो जस्ट थिंक अबाउट अस, हम लोग 24 hours से ज्यादा वी डिडंट टेक नैप ऑल्सो,
फिर आके एक नर्स ना बेबी को लेके गई, शी वॉज लाइक कि वो हेड नर्स थी, शी वॉज लाइक या सॉरी हम लोग एपोलोजाइज करते हैं, हम लोग बेबी को अभी लेके जाते हैं ताकि तुम लोग सो सको। फिर हम लोग मॉर्निंग 5 से अराउंड 8:30 तक हम लोग अच्छी तरीके से सोए। तो यही था पर मैं जैसे बोल रही थी ना, बोलते है ना कि मेरा अभी शौमी की बोल रही, तुम्हारा कितना अजीब अजीब शौक है, किसको ऐसा शौक होगा कि तुमको देखना है लेबर पेन कैसा होता है। लेबर पेन का भी मुझे शौक था, वो भी हो गया, वाटर ब्रेक का शौक नहीं था। पर जब यह सब कुछ हो गया है ना, एट द एंड इट वॉज गुड दैट वी डिडंट वेट कि नहीं हम लोग यू नो फुल मुझे नॉर्मल करना है, हम लोगों ने वेट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को मुझे भी पता है दैट इट्स नॉट एट ऑल सेफ फॉर द बेबी एंड एट द एंड ऑफ द डे बेबी शुड बी सेफ। एंड फाइनली आ गया बेबी एंड बेबी इज टोटली फाइन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स। बेबी बिल्कुल अच्छा है एंड मैं पहले से ही बोल देती हूँ दैट मेनी ऑफ यू नो एंड मेनी ऑफ यू लाइक मी ऑल्सो फॉर दैट कि मैं कोई आई एम नॉट ए प्रोफेशनल ब्लॉगर एंड ऑल, जहाँ पे मैं बच्चे का चेहरा 1 month 2 month तक नहीं दिखाऊंगी। मैंने शौमिक को पहले से ही बोला था, तो शौमिक वाज लाइक ये बच्चे का चेहरा क्यों नहीं दिखाते, जब हम लोग के फ्रेंड्स भी आते तब तो हम लोग बच्चे को छुपा के रखते हैं क्या, नजर लगना है तो वो 2 महीने बाद भी तो लग सकता है। सो फर्स्ट मुझे, क्योंकि राय ने अभी तक बेबी को नहीं देखा, तो फर्स्ट मैं एक वीडियो करूंगी फिर राय बेबी को देखेगी एंड देन इन द थर्ड वीडियो ओनली मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, जिसके लिए यू ऑल गेव मी सो मच गुड विशेज मेरे और बच्चे के लिए। तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू। ऐसा मुंह छुपाना एंड ऑल, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग, मुझे लगता है ये सबका कोई मीनिंग ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए देन नेवर शो द बेबी। तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू कि बेबी कैसा हुआ है।